फ्रेंड्स, हम रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर पढ़ रहे हैं और बेटा ये अपना लेक्चर नंबर 7 है। ओके, इससे पहले हमने टोटल 1 to 6 लेक्चर ले लिए और सारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ओके, तो आज के लेक्चर में हम बेटा पढ़ने वाले हैं सम एलिमेंट्री फंक्शन। ओके, मतलब थोड़े जो बेसिक टाइप्स के फंक्शन है उसके ग्राफ हम डिस्कस करेंगे, उसका डोमेन क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसकी रेंज क्या है, वो सब हम आज देखने वाले हैं। ओके, सो आवर फर्स्ट टाइप इज कांस्टेंट फंक्शन। ओके, तो चलो देखते हैं। सपोज बेटा कोई फंक्शन एफ है, वो आर टू आर डिफाइन है। क्या है बेटा? आर टू आर मतलब आर मतलब रियल नंबर है। ओके, ये भी आर रियल नंबर है, मतलब ये हो गया फंक्शन का डोमेन, ये हो गया अपना को डोमेन। ओके, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बेटा कोई हूँ मैं ले रहा हूँ सी। ओके, नाम में पता चल रहा है ना फंक्शन कैसा है बेटा, कांस्टेंट है। तो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, वेयर सी है बेटा कोई कांस्टेंट नंबर। ओके, तो बेटा इसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे। ओके, तो अगर इसका हम ग्राफ देखें तो ग्राफ कैसा होगा इसका, तो सपोज बेटा यहाँ पे मैं ऐसे ड्रॉ करूँ, ऐसे सपोज ये अपना एक्स एक्सिस है, ये अपना वाई एक्सिस है। यहाँ पे बेटा कोई भी आप वैल्यू ले लेते हैं, माइनस इनफाइनट से प्लस इनफाइनट तक, 1 2 3, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, ऐसे बेटा यहाँ पे भी 1 2 3, ऐसे माइनस 1 ऐसे नीचे। तो बेटा फंक्शन एफ ऑफ एक्स को आप कभी कभी वाई भी बोल सकते हैं, ठीक है। एफ ऑफ एक्स को हम वाई भी लेंगे, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, सी। तो सपोज बेटा यहाँ पे कोई सी कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये जो बेटा ग्राफ हुआ वाई इज इक्वल टू सी, कांस्टेंट है ना बेटा। एक्स की वैल्यू यहाँ पे आप कोई भी रखोगे बेटा, आंसर तो क्या आएगा, हमेशा कोई कांस्टेंट, क्योंकि ये फंक्शन है वो एक्स पे डिपेंड नहीं है। ओके, नॉट डिपेंड ऑन एक्स, तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि एक्स की आप कोई भी वैल्यू रखेंगे आंसर तो क्या आएगा, सी ही आएगा। तो बेटा एक्स की कोई भी वैल्यू के लिए आंसर क्या आ रहा है, सी। तो वाई इज इक्वल टू सी। ओके, तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ। तो अब रेंज इसकी क्या होगी बेटा, तो रेंज मतलब क्या, तो हमें एक्स की डोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, वो सारे एलिमेंट मतलब जो डोमेन में जितनी भी वैल्यू हो, एक्स की वैल्यू हम ले गए और फंक्शन में रखेंगे, और जो हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिलेगी उसके सेट को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो यहाँ पे तो आप बोल सकते हो कि एफ ऑफ एक्स तो हमेशा क्या हो रहा है, कांस्टेंट ही आ रहा है एक्स की कोई भी वैल्यू के लिए, और क्या आ रहा है, सी आ रहा है। तो रेंज क्या होगी बेटा, तो रेंज इज इक्वल टू सी हो गई, ठीक है। रेंज मतलब क्या बेटा, फंक्शन की वैल्यू। ओके, एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू आएगी उसका अगर हम सेट बनाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। ओके, तो आई होप आपको कांस्टेंट फंक्शन समझ में आ गया है। ओके, चलो सेकंड टाइप देखते हैं। सेकंड टाइप है बेटा अपना आइडेंटिटी फंक्शन। ओके, तो चलो आइडेंटिटी फंक्शन भी डिस्कस करते हैं। तो सपोज बेटा कोई फंक्शन एफ है, वो भी आर टू आर पे डिफाइन है, मतलब उसकी डोमेन भी रियल नंबर है और को डोमेन भी क्या है बेटा, रियल नंबर है। और अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हो, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन। ओके, तो एफ ऑफ एक्स को हम वाई भी लिख सकते हैं, तो वाई इज इक्वल टू एक्स क्या हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन। तो अगर बेटा इसका मुझे ग्राफ ड्रॉ करना हो तो हम इसे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ये अपना एक्स एक्सिस, ये अपना वाई एक्सिस, एक्स डैस वाई डैस, ये अपना ओरिजिन। तो ग्राफ ड्रॉ करो तो ये तो हो गया वाई इज इक्वल टू एक्स। ओके, तो ये वाई इज इक्वल टू एक्स तो क्या हो गया बेटा, स्ट्रेट लाइन हो गई, होगी ना स्ट्रेट लाइन। और ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन में से पास आउट हो रही है, तो ओरिजिन में से तो बेटा दो टाइप की स्ट्रेट लाइन पास आउट होती है, एक फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में से और सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में से। तो बेटा वाई इज इक्वल टू एक्स वाली, मतलब एक्स और वाई की साइन अगर सेम हो, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट
और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसी होती है, सेम होती है ना एक्स और वाई दोनों की। तो यहाँ पे देखो साइन सेम है ना, तो वाई इज इक्वल टू एक्स कौन सी लाइन हो गई, ये वाली लाइन हो गई। ओके, तो ये जो ग्राफ है ये कौन सा ग्राफ है, वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। ओके, मतलब अपना आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ है, और वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स तो ये लाइन होगी। ये तो अभी नहीं है, लेकिन याद रखने के लिए y इज इक्वल टू माइनस एक्स या x इज इक्वल टू माइनस वाई, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस और सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस। तो यहाँ पे देखो साइन कैसी है, x और y के अलग अलग है ना, जब साइन अलग अलग हो तो अब आप सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट और ओरिजिन में से पास आउट करेंगे तो आपको y इज इक्वल टू माइनस एक्स वाली लाइन मिल जाएगी। ओके, तो चलो आइडेंटिटी फंक्शन मतलब f ऑफ x इज इक्वल टू x, डोमेन है R, कोडोमेन है R, रेंज क्या होगी बेटा, तो रेंज मतलब क्या, तो एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो अपनी रेंज होगी, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है। ठीक है, तो एक्स तो क्या है अपना, तो एक्स बिलोंग्स टू आर है, तो एफ ऑफ एक्स भी क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर, तो रेंज भी क्या हो गई बेटा, आर हो गई। और आप यहाँ पे भी देख सकते हो बेटा कि ये जो लाइन पे वाई की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे कुछ होगी, यहाँ पे कुछ होगी, यहाँ पे कुछ होगी, यहाँ पे कुछ होगी, यहाँ पे कुछ होगी। ठीक है, यहाँ पे देखो आप वाई की वैल्यू, तो देखो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, प्लस इनफाइनेट से माइनस इनफाइनेट तक, माइनस इनफाइनेट से प्लस इनफाइनेट तक जा रही है। तो रेंज क्या हो गई आइडेंटिटी फंक्शन की, रियल नंबर। ओके बेटा, तो आई होप आपको आइडेंटिटी फंक्शन क्या है समझ में आ गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं अपना बेटा। थर्ड फंक्शन है स्क्वेयर फंक्शन। कौन सा फंक्शन बेटा, स्क्वायर फंक्शन। ओके, तो चलो स्क्वायर फंक्शन देखते हैं क्या है। तो सपोज बेटा कोई फंक्शन एफ है आर टू आर। ओके, हमेशा याद रखो बेटा कोई भी फंक्शन आप डिफाइन करो तो उसका डोमेन, उसका कोडोमेन आपको लिखना ज़रूरी है। तो मैं सब केस में क्या ले रहा हूँ बेटा, क्योंकि मैं फंक्शन को ड्रॉ भी कर रहा हूँ ना, तो हम टू डायमेंशन में ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होगा, टू डायमेंशन में एक्स की सारी रियल वैल्यू लेनी है और y की भी सारी रियल वैल्यू लेनी है। तो हमारा डोमेन भी क्या है बेटा, रियल नंबर है, और कोडोमेन भी क्या है हमारा, रियल नंबर है। ओके, तो f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर को मैं कौन सा फंक्शन बोलूँगा, स्क्वेयर फंक्शन। नाम से ही पता चल रहा है ना बेटा, स्क्वेयर फंक्शन। तो देखो f ऑफ x इज इक्वल टू क्या लिया, तो f के अंदर वेरिएबल कौन सा है, x। f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वेयर ऑफ वेरिएबल, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो ये हो गया अपना स्क्वेयर फंक्शन। तो मैंने आपको बोला है बेटा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैं वाई भी ले सकता हूँ, तो ग्राफ यू ड्रॉ करने के लिए मैं वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर हमको ज़्यादा कंफर्ट रहेगा। ओके, तो चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आपने इलेवेंथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी हो बेटा, तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई है ना बेटा, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई, वो बेटा पैराबोला शो कर रहा है। और जो मैंने बेटा IIT JEE नाम से जो सीरीज़ स्टार्ट की है, वहाँ पे जब मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करूँगा तो वहाँ पे भी बेटा ये पैराबोला हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो अभी आपको याद रखना है कि जब भी बेटा दो वेरिएबल हो, और दो वेरिएबल में बेटा एक के पास इवन नंबर ऑफ पावर हो, मतलब स्क्वेयर हो, और एक के पास ऑड पावर हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, पैराबोला। एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई बेटा वो पैराबोला का आइडियल इक्वेशन है। ओके, और उसकी उसका ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ ऐसा होगा, चलो हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो यहाँ पे मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि पैराबोला मतलब, देखो पैराबोला मतलब ऐसे होता है कि या तो ऐसे या तो फिर ऐसे, या तो ऐसे या तो ऐसे, ये चार टाइप के पैराबोला होते हैं। ठीक है बेटा, तो अगर बेटा जो इक्वेशन है उसमें जिसका वन पावर है वो आपको देखना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वन पावर किसका है बेटा, वाई का है, वाई का है ना वन पावर। तो यहाँ पे बेटा जो पैराबोला, इसको मैं तो माउथ बोलता हूँ। ठीक है, तो जिसका बेटा वन पावर होगा उसकी ओर माउथ ओपन होगा। तो यहाँ पे तो बेटा वाई का वन पावर है, तो या तो पॉजिटिव वाई की ओर माउथ ओपन होगा या तो नेगेटिव वाई की ओर माउथ ओपन होगा। लेकिन अगर दोनों तरफ साइन सेम हो, मतलब सेम मतलब प्लस प्लस ही होगी ना, तो ही सेम होगी। तो यहाँ पे भी देखो प्लस साइन है, प्लस साइन है, तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि पॉजिटिव वाई की तरफ माउथ ओपन होगा। तो हमारा पैराबोला का इक्वेशन हो गया ये।
ठीक है, ये जो हमारा इक्वेशन है ये क्या हो गया, पैराबोला इक्वेशन, ये हमारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ हो गया। ठीक है बेटा, और अगर मैं रेंज की बात करूँ तो रेंज मतलब क्या बेटा, मैंने आपको बोला है रेंज इज इक्वल टू जो एफ ओफ एक्स की जो वैल्यू हो बेटा, एफ ओफ एक्स की वैल्यू, वो सारी वैल्यू का अगर हम सेट बनाए तो वो सेट को क्या बोलते हैं, हम रेंज बोलते हैं। तो एफ ओफ एक्स इज इक्वल टू तो क्या है बेटा, तो एफ ओफ एक्स इज इक्वल टू तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होता है, ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा होता है, पॉजिटिव नंबर ही होता है ना। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि रेंज क्या हो गया बेटा, ज़ीरो टू इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट हम कभी लेते नहीं है, सो क्लोज ओपन इंटरवल ज़ीरो टू इनफाइनाइट। ओके, तो स्क्वायर फंक्शन की रेंज होगी क्लोज ओपन इंटरवल ज़ीरो टू इनफाइनाइट। ओके, तो आई होप बेटा आपको स्क्वायर फंक्शन समझ में आ गया होगा। ओके, चलो नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। सो अवर नेक्स्ट टाइप इज़ बेटा फोर्थ टाइप, और नाम है उसका क्यूबिक फंक्शन। ओके बेटा, क्या नाम है, क्यूबिक फंक्शन। ओके, तो चलो देखते हैं। सपोज़ बेटा कोई फंक्शन में डिफाइन कर रहा हूँ आर टू आर, मतलब ये आर है, डोमेन है फंक्शन का, और कोडोमेन भी क्या है बेटा, रियल नंबर है। तो नाम से ही पता चल रहा है क्यूबिक फंक्शन, मतलब एफ ओफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, जो वेरिएबल लिया है उसका जो क्यूब होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक फंक्शन। सो एफ ओफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, वो हो गया हमारा क्यूबिक फंक्शन। तो एफ ओफ एक्स को मैं वाई भी बोल सकता हूँ, द वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ओके, तो चलो हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, तो ग्राफ कैसा होगा इसका, तो देखते हैं क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है। सपोज बेटा ये एक्स है, ये वाई है, ये हमारा ओरिजिन है, ये एक्स डैश है और ये वाई डैश है। तो क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ बेटा हमेशा याद रखो ऐसे होता है, यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर ज़ीरो को कट करके फिर ऐसे शेप में नीचे जाएगा। ओके, तो ये जो अपना ग्राफ है ये ग्राफ किसका है बेटा, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब का। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ होगा ये वाला, याद रखो ग्राफ भी बेटा कभी कभी बहुत काम आते होंगे, इसलिए मैं सबकी सबके ग्राफ आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो अभी इसकी रेंज की बात करें, तो रेंज क्या होगी बेटा, तो आप देख सकते हो कि जो ग्राफ है, ग्राफ उसमें तो देखो वाई की वैल्यू कहाँ है, तो क्या ये सब वाई की वैल्यू है ना, देखो तो माइनस इनफाइनेट से प्लस इनफाइनेट तक वाई की वैल्यू फैली हुई है ये ग्राफ पे, हैंस रेंज क्या होगी बेटा, एनी रियल नंबर। ओके, तो आई होप क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ आपको समझ में आ गया, और रेंज हर ग्राफ पे से कैसे आई वो भी आपको पता चल गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। सो आवर नेक्स्ट टाइप इज फिफ्थ वन, और नाम है बेटा रेसिप्रोकल फंक्शन। क्या नाम है बेटा, रेसिप्रोकल फंक्शन। ओके, चलो देखते हैं बेटा रेसिप्रोकल फंक्शन। तो सपोज बेटा कोई फंक्शन में डिफाइन कर रहा हूँ एफ आर टू आर, ओके, डोमेन क्या है, रियल नंबर, और कोडोमेन भी क्या है बेटा, रियल नंबर। तो बेटा एफ ओफ एक्स इज इक्वल टू, नाम ही क्या है, रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे वेरिएबल मैंने एक्स लिया है, तो एफ ओफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स को मैं कौन सा फंक्शन बोलूँगा, रेसिप्रोकल फंक्शन। सो एफ ओफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स इज कॉल रेसिप्रोकल फंक्शन। ओके, तो एफ ओफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स, तो अगर मैं एफ ओफ एक्स को वाई ले लूँ बेटा, तो ये हो गया वाई इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स, तो ये हो गया बेटा एक्स वाई इज इक्वल टू वन हो गया। तो एक्स वाई इज इक्वल टू वन का ग्राफ, अगर आपको थोड़े बहुत ग्राफ याद हो तो एक्स वाई इज इक्वल टू वन का ग्राफ कैसा होता है वो आप देख लो यहाँ पे। ये एक्स, ये वाई, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, तो ये जो बेटा ग्राफ है ना, ये यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ से इनफाइनाइट तक जाएगा,
और यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ से ऐसे नीचे जाएगा। ये जो ग्राफ है अपना, ये पूरा ये वाला इंक्लूडिंग ये वाला, ये ग्राफ कौन सा है बेटा? एक्स वाई इज इक्वल टू 1 का ग्राफ है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो बेटा कि एक्स और वाई का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है बेटा? 1। 1 मतलब क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस। तो अगर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हो तो मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और एक्स और वाई दोनों माइनस हो लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? प्लस होगा। इसलिए एक्स वाई इज इक्वल टू 1 वाला ग्राफ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ओके, तो आई होप बेटा आपको रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ कैसे आया पता चल गया होगा। ठीक है, चलो रेंज देख लेते हैं। तो रेंज आप देख लो, सॉरी पहले डोमेन में बात करूँ। देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x है बेटा। ठीक है, तो मैथ्स में बेटा कभी भी डिनोमिनेटर में हम जीरो नहीं करते। तो मैं यहाँ पे डोमेन होगा ना, डोमेन होगा हमारा ये आर टू आर नहीं है बेटा, डोमेन होगा बेटा आर माइनस ज़ीरो। ओके, मतलब कोई भी रियल नंबर ले सकते हो एक्स की वैल्यू के तौर पे, लेकिन ज़ीरो नहीं ले सकते। सो डोमेन हो गया आर माइनस ज़ीरो। और कोडोमेन भी आप देख लो कि बेटा फंक्शन का आंसर कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा। क्यों कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा? क्योंकि बेटा ज़ीरो आने के लिए न्यूमरेटर आपका ज़ीरो होना चाहिए, लेकिन न्यूमरेटर तो आपका फिक्स है। देखो क्या है बेटा, न्यूमरेटर तो 1 है ना बेटा। तो एफ ऑफ एक्स का आंसर कभी भी बेटा ज़ीरो नहीं आएगा। ओके, तो अगर बेटा मैं बात करूँ रेसिप्रोकल फंक्शन की, तो रेसिप्रोकल फंक्शन में डोमेन क्या होता है? तो डोमेन होता है एनी रियल नंबर, बट ज़ीरो नहीं ले सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में ज़ीरो बन जाएगा। और रेंज क्या होगी बेटा? तो सेम बेटा, रेंज भी वही कि इसका आंसर कभी भी ज़ीरो आएगा नहीं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्राफ ज़ीरो पे कट भी नहीं कर रहा ना। ओके, तो रेंज होगी बेटा एनी रियल नंबर, बट रेंज में मतलब एफ ऑफ एक्स का आंसर भी कभी ज़ीरो नहीं आ सकता। तो डोमेन भी हो गया आर माइनस ज़ीरो और रेंज भी हो गया आर माइनस ज़ीरो। तो आई होप बेटा आपको रेसिप्रोकल फंक्शन क्या है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, तो चलो नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट टाइप इज़ बेटा सिक्स्थ वन, और वो है बेटा मॉड्यूलस फंक्शन, या उसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, दो नाम है। ओके, अगर इनइक्वालिटी में आपने मॉड्यूलस वाला पार्ट देखा होगा तो वहाँ पे भी मैंने मॉड्यूलस की जगह ये भी नाम यूज़ किया है, एब्सोल्यूट वैल्यू। ओके, और ये बेटा अपने आज का लेक्चर का लास्ट टाइप है, सिक्स वन टाइप, मॉड्यूलस फंक्शन। ओके, तो चलो देखते हैं। तो बेटा कोई फंक्शन एफ है, सपोज आर टू आर है। ओके बेटा, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स है, मोड एक्स, ये क्या हो गया हमारा मॉड्यूलस फंक्शन। ओके, ये तो बेटा इनइक्वालिटी में मैंने बात की थी, लेकिन इनइक्वालिटी में बेटा मैंने इसका ग्राफ पे चर्चा नहीं की थी, यहाँ पे हम इसका ग्राफ भी देख लेंगे। ओके, तो चलो ग्राफ देखते हैं। तो याद रखो इनइक्वालिटी के ग्राफ कैसे, सॉरी मॉड्यूलस के ग्राफ कैसे बनाना है। देखो पहले तो हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया। ओके, ये एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। और मैं आपको बोला है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई भी लिख सकता हूँ। तो वाई इज इक्वल टू मोड एक्स। तो आपको पता है बेटा मोड एक्स का आंसर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव आता है। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि वाई हमेशा क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि एफ ऑफ एक्स क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो ग्राफ बेटा कभी भी ये जो एक्स एक्सिस है बेटा उसकी नीचे लाई नहीं करेगा, मॉड्यूलस का ग्राफ। क्योंकि मॉड्यूलस का ग्राफ बेटा हमेशा क्या होता है? मॉड्यूलस के ग्राफ में हमेशा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ऊपर ये पॉजिटिव वैल्यू शो कर रही है ना, तो हमेशा ग्राफ बेटा यहाँ पे ही लाई करेगा। ओके, अभी कैसे लाई करेगा वो देखेंगे। तो आपको देखना है बेटा कि मोड के अंदर बेटा क्या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स अभी तो है, तो मोड कभी ज़ीरो होगा बेटा। तो जब एक्स की जगह मैं ज़ीरो रखूँगा तभी ज़ीरो होगा ना। फिर से बेटा मॉड्यूलस के अंदर आपको ज़ीरो बनाना है, तो मॉड्यूलस के अंदर एक्स है, तो एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो लेंगे तो ही मॉड्यूलस ज़ीरो हो जाएगा बेटा। तो नंबर लाइन यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ किया है, ये टू डायमेंशनल ज्योमेट्री,
टू डायमेंशनल एक्सिस, यहाँ पे ज़ीरो यहाँ पे लाई करेगा। तो आपको क्या करना है अभी बेटा, तो यहाँ से आना है और फिर यहाँ से आपको स्ट्रेट लाइन से ऐसे आना है और फिर स्ट्रेट लाइन से यहाँ पे आके ज़ीरो पे आके एंगल बना के फिर यहाँ से चले जाना है। तो ये जो ग्राफ है ना बेटा, ये जो ग्राफ, इसको हम बोलेंगे वाई इज इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ। ओके, तो आई होप बेटा ग्राफ आपको पता चल गया होगा। हमेशा ग्राफ बेटा कैसे होगा, ऊपर ही लाई करेगा, क्योंकि एफ ओ एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। और कैसे याद रखना है, तो मॉड्यूलस के अंदर ज़ीरो कब बनेगा, तो कि जब एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो लेंगे तब। तो यहाँ से आना है फिर ज़ीरो से एंगल बना के वापस चले जाना है। ओके, तो फिर डोमेन क्या है बेटा, तो कि डोमेन तो अपना है आर है। और रेंज क्या होगी बेटा, तो रेंज मतलब एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू होगी उसकी सेट को हम रेंज बोलते हैं। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी ना, तो रेंज होगी बेटा ज़ीरो टू इनफाइनेट क्लोज ओपन इंटरवल। ओके, ये मॉड्यूलस फंक्शन की रेंज होती है। ओके, तो ये मॉड्यूलस का बेटा और एक आपको ग्राफ समझा दूँ कि सपोज़ बेटा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा। तो सेम बेटा इसे अगर मैं ड्रॉ कर लूँ, ये एक्स और ये वाई, तो सेम बेटा मॉड्यूलस है तो हमेशा ये तो ऊपर की ओर ही लाई करेगा। और एंगल कहाँ बनेगा, तो एंगल हमेशा बेटा एक्स एक्सिस पे बनेगा, क्योंकि अंदर कौन सा वेरिएबल है, एक्स है। तो आप बेटा मॉड्यूलस को अगर ज़ीरो बनाना हो तो एक्स की वैल्यू कौन सी रखेंगे, तो ये मॉड्यूलस को अगर ज़ीरो बनाना हो तो एक्स की जगह वन रख दूँ, तो वन माइनस वन ज़ीरो हो जाएगा। तो नंबर लाइन पे मतलब एक्स पे ये वन यहाँ पे होगा, तो अभी एंगल वन पे बनाना है। तो यहाँ से हम आएंगे फिर वन से एंगल बना के चले जाएंगे वापस। तो ये जो अपना ग्राफ है ये हो गया वाई इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस वन का। ओके बेटा, चलो और एक ट्राई करते हैं कि सपोज़ बेटा फिर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ऐसे कुछ मोड माइनस टू प्लस एक्स, सपोज़ ऐसा है बेटा। ओके, और इसका मुझे ग्राफ बनाना है। तो सेम बेटा यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, फिर क्या करना है बेटा, तो ग्राफ तो यहाँ पे हमेशा वाई की वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगी, वाई को हम एफ ऑफ एक्स भी बोलते हैं ना बेटा। तो मॉड्यूलस है बेटा एक्स की कौन सी वैल्यू के पास ज़ीरो होगा, तो अगर मैं एक्स की जगह टू रख दूँ तो टू माइनस टू ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे टू और ऐसे टू से एंगल बना के वापस चले जाना है। ओके बेटा, तो आई होप अभी आपको मॉड्यूलस वाले ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है वो ईजीली आ गया। ठीक है बेटा, तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंटेंट पढ़ेंगे। थैंक यू।